हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश यूट्यूब सीईटी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी को पता है संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर की तरफ से सीईटी के विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल चैनल बनाया गया है, जिसका नाम ही यूट्यूब सीईटी प्लेटफॉर्म रखा गया है। संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार के बैचेस जो है वो सीईटी के लिए शुरू हो चुके हैं। लेटेस्ट बैच जो है उनको आप ज्वाइन कीजिए। और आप सभी को पता है कि संकल्प कोचिंग सिरमौर संस्थान है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्षेत्र में। और आपको सीईटी प्लेटफॉर्म की यदि बात करें तो फीस जो है उसकी 15,000 से रिड्यूस करके 11,000 की गई है। और उसके अलावा संकल्प की 20 अध्यापकों की जो टीम है उनके अथक प्रयास से सीईटी की बुक भी जो है लिखी गई है वो मार्केट में आ चुकी है। आप उस बुक को खरीदिए ताकि ऑनलाइन के साथ साथ यदि आप ऑफलाइन उस बुक का यूज करते हो तो डेफिनेटली आपका जो बेनिफिट है वो डबल मिलेगा उसका। और राजस्थान जीके की कंप्लीट बुक डायरेक्टर महोदय श्रीमान संजय सर के द्वारा जो लिखी हुई है उसको भी आप खरीदिए, लेकिन वो बुक आपको केवल और केवल ऑनलाइन मिलेगी। ऑनलाइन पर वो बुक खरीदने पर आपको 100 रुपीज जो है वो उसमें रिफंड हो जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम जो सीईटी एग्जाम्स हुए थे उनमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन लगभग प्रत्येक पेपर में आए हुए थे, और उन 10 क्वेश्चंस में से 1 प्रश्न जो है वो रोजाना हम सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज फिर से एक बार एक क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज का जो अपना प्रश्न है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अपने पास जो आज का क्वेश्चन है वो दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है, लेकिन सबसे पहले अपने इस चीज को देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन जो चुनाव करना है उनसे रिगार्डिंग अपने को जो क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन अपने पास जो है वो अपने पास दिया हुआ है द टोन ऑफ ए सर्कुलर शुड बी, कि जो सर्कुलर है उसकी टोन किस प्रकार की होनी चाहिए। अपने सिलेबस में जो लेटर राइटिंग वाला अपना जो पोर्शन है उसी में ही आपको मैंने बताया था एक दिन पहले भी कि लेटर राइटिंग अपने सिलेबस में है। उसमें अपने पास में ऑफिशियल लेटर है, डमी ऑफिशियल लेटर है, उसमें सर्कुलर राइटिंग है, राइटिंग है, उसमें टेंडर राइटिंग भी है, और उसमें जो नोटिस राइटिंग अपने पास में है वो भी है। तो चारों के चारों जो पार्ट है उनके क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको अपने सॉल्व कर रहे हैं। उसी कड़ी का क्वेश्चन अपने पास देख लीजिए, द टोन ऑफ ए सर्कुलर शुड बी, या फिर द टोन ऑफ ए सर्कुलर शुड, कि जो सर्कुलर जो है इसका टोन किस प्रकार की इसकी टोन होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन अपने को यहां दिए हुए हैं। नंबर 1 दिया हुआ है बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस, कि अलग अलग जो ऑडियंस है उनके लिए अलग अलग प्रकार का जो इसकी टोन जो है वो होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग टोन होनी चाहिए। नंबर 2 रिमेन द सेम फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडियंस, वगैरह किसी भी प्रकार का ऑडियंस हो भले ही उन सभी के लिए एक ही इसकी थीम जो है वो होनी चाहिए। थर्ड वन दिया हुआ है बी ह्यूमर्स, मजाकिया लहजे में इसकी टोन होनी चाहिए, ये थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। और डी और फोर्थ ऑप्शन अपने को यहां दिया हुआ है कि बी स्ट्रिक्ट, किसकी टोन जो है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो अपने देखेंगे इन 4 में से कौन सा पार्ट जो है वो अपना आंसर आज रहने वाला है। तो सर्कुलर, सर्कुलर आप सभी को पता है, सर्कुलर को हिंदी की यदि मैं बात करूं इस वर्ड की तो हिंदी में इस वर्ड को भी अपने बोलते हैं परिपत्र। हिंदी में सर्कुलर को कहते हैं भी परिपत्र। आपके परिभाषिक शब्दावली भी है तो शब्दावली के अंतर्गत भी इनको याद रखिए, सर्कुलर को अपने बोलते हैं परिपत्र। तो सर्कुलर जो होता है, एक और मैंने बताया था, सर्कुलर जो है ये हमेशा थर्ड पर्सन स्टाइल में लिखित होना चाहिए। सर्कुलर जो है ये थर्ड पर्सन स्टाइल में होना चाहिए भी, ये ध्यान रखना। मान लो कभी एग्जामिनर पूछ ले कि ये कौन से पर्सन स्टाइल में लिखा जाना चाहिए तो ये थर्ड पर्सन स्टाइल में लिखा जाना चाहिए। पर्सन की आपको पता ही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और सर्कुलर जो है ये क्यों लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, जब अपने को सर्कुलर जो है कोई सूचना है
वो काफी सारे कैंडिडेट्स को देनी हो, सेम सूचना जो है उसका भी अपने किसी को देनी हो, तो उसके लिए सर्कुलर लिखा जाता है। सिंपल भाषा में मैंने इसको बताया था जब हम क्लास में भी इसको पढ़ रहे थे कि जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या प्राइवेट स्कूल में आप लोग पढ़ते थे, तो जिस दिन मान लो कभी छुट्टी होती आगे किसी ओकेजन पर, तो जो हेडमास्टर है वो एक पेज पर एक सूचना लिखता कोई इन्फॉर्मेशन, और फिर वो अपने पियोन को बोलता कि आप इसको ले जाइए और सभी जो टीचर्स क्लास में बैठे हुए हैं उन सभी से उस पर साइन करवा लीजिए। तो देखिए एक ही सूचना थी और अलग अलग जो टीचर्स थे उन सभी को जो है वो सूचना दी गई और फिर उन्होंने साइन किया, और फिर बाद में आपके काम की बात वो बोलते कि कल भी आपको छुट्टी है। तो स्टूडेंट्स जो है छुट्टी का नाम सुनते ये भी नहीं पूछते कि सर छुट्टी क्यों है, क्योंकि अपने को तो छुट्टी से मतलब होता था, तो वो सर्कुलर होता है। तो ये कई फॉर्म्स में इसको लिखा जाता है, सूचनाओं के लिए लिखा जाता है। तो अपने क्वेश्चन की बात करेंगे, बाकी जब डिटेल इसका पढ़ेंगे अभी तो आपको मैं वो भी बता दूंगा उसमें भी किस तरीके से होगा। तो आज अपने देखेंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले जो सर्कुलर है भी ये भी स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर नहीं होगा। नंबर सी, बी ह्यूमर्स के मजाकिया अंदाज में हो, हंसी मजाक में इसको लिखा जाए, ये भी नहीं होगा भी। इसकी टोन जो है सी ऑप्शन जो दिया हुआ है ये भी इसमें रॉन्ग रहेगा। और बी दिया हुआ है रिमेन द सेम फॉर एनी काइंड ऑफ ऑडियंस, वो कह रहा है किसी भी प्रकार का ऑडियंस हो उसके लिए भी सेम रहनी चाहिए इसकी टोन, नहीं भी सेम नहीं रहेगी। तो फिर अपने पास बात ये रहेगी कि सर्कुलर की टोन फिर किस प्रकार की होनी चाहिए। फिर से देखिए, सर्कुलर की टोन कभी स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, सर्कुलर ह्यूमर्स नहीं हो सकता, और सर्कुलर जो है यदि अलग अलग ऑडियंस जो है तो उनके लिए वो कह रहा है सेम टोन रहनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, वो सेम टोन इसकी नहीं रहेगी। तो फिर बात ये रहेगी किस प्रकार की टोन जो है वो सर्कुलर की होनी चाहिए। तो नंबर ए इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द गिवन सेंटेंस, बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस, बी डिफरेंट वो कह रहा है इसकी टोन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और किसके लिए भी, बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस, कि अलग अलग जो ऑडियंस होते हैं अलग अलग ऑडियंस के अकॉर्डिंग सर्कुलर की जो टोन है वो अलग ही होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन भी आज के इस क्वेश्चन का अपना आंसर रहेगा। तो आप इसी तरीके से प्रश्न को देखने के लिए YouTube CET प्लेटफॉर्म जो है संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर का, इसको लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन की क्लास में लगा रहा हूं या लगती रहेगी क्लासेस, वो इनको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का जो प्रश्न अपने पास है, द टोन ऑफ ए सर्कुलर शुड ये बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंस, अलग अलग प्रकार के ऑडियंस के लिए अलग अलग प्रकार की टोन जो है वो सर्कुलर की भी होनी चाहिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हैव ए नाइस डे।